हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम आड्डा 2.0। तो फ्रेंड्स, आप समस्त को आम यूट्यूब चैनल एग्जाम आड्डा 2.0 रे बहुत बहुत स्वागत। आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपर। तो एमें डिस्कसन करवा टोटल 28 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो एप मान 25 आमर पेडागोजी रही आनटा खंडे आमर इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन रही। तो टोटल 28 क्वेश्चन रही। आप आउट ऑफ 28 केत मार्क रखुंत कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप मानक प्रथम क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स एट द असेसिंग लर्नर्स डेस्क। तो से कहते जो आम जो सीसी रही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आम रही धारावाहिक निरवच्छिन्न आमर जो इवाल्युएसन रही मूल्यायन रही सहीटा आमर कौन आसेस कर लर्नर रण आसेस कर पचारि। तो करिकुलर डेवलपमेंट को करिकुलर मंथली ना होलिस्टिक। तो आमर सीसी कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवाल्युएसन द्वारा आमर गोटे पिलार सामग्रिक विकास हो। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। तो होलिस्टिक दे मे बी आप ऑल अराउंड डेवलपमेंट दे तो सहीटा मारे। तो ऑप्शन नंबर डी होचे करेक्ट आंसर। जो मैंने डी टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इनफॉरमेशन अबाउट ए लेसन डैश। तो कहा द्वारा गोटे स्टूडेंट तार जेकोसी इनफॉरमेशन एंड मीनिंग लेसन रेको इनफॉरमेशन एंड मीनिंग को एक्सप्लोर कर कौ समय से पचार ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग आफ्टर साइलेंट रीडिंग बिफोर साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो गोटे स्टूडेंट लेसन रो इनफॉरमेशन एंड मीनिंग को एक्सप्लोर कर केते ना ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग समय। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्पेसिंग इज नेसेसरी फॉर डैश। आम जो स्पेस दौंट कौटी दौरान रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ना लिसनिंग। तो आम लिखला समय रे आम स्पेस मान टे स्पेस दे कि लिखुंट जहाँकि आम क्लीयर कट बुझीपर जी भी सामने वाला देखिले बुझीपर। तो ये आम रईटिंग लिखला समय आम स्पेस दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर रईटिंग। नेक्स्ट रही आपर गोटे आसी जाटा आम इंग्लीश ग्रामर क्वेश्चन। तो हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेजन वाज क्वाइट डैश। तो ये आमर शुद्ध अशुद्ध पर क्वेश्चन अनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट मिसअप्रोप्रिएट ना इनअप्रोप्रिएटली। तो हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेजन वाज क्वाइट इनअप्रोप्रिएट हबो ऑन हबनी मिस भी हबनी कि एलवाई प्रिएटली भी हबनी। तो इनअप्रोप्रिएट होची करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉन डिटेल प्रोज डेवलप्स। आम जो नॉन डिटेल प्रोज पढ़ुंट से कौन डेवलप कर गल्प बही आम रोचे। तो टेन्थ क्लास आम इंग्लीश बही रोचे ता सहित नॉन डिटेल बुक रोचे। तो से कौन हो ना इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव ना क्रिटिकल ना नॉन ऑफ देम। तो नॉन डिटेल रीडिंग आम गल्प सब पढ़ुं एंजॉयमेंट किसी नॉलेज आहरण करने। तो सहीटा होमर एक्सटेंसिव रीडिंग एंजॉयमेंट आनंद आम पढ़ुंट। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द रोल ऑफ टीचर इज टू डैश। गोटे टीचर रोल कौन है उचित एक्सप्लेन एक्सप्लेन टीच फैसिलिटेट ना नॉन ऑफ दिस। ए क्वेश्चन टा बहुत बार सीटेट एग्जाम ओटीटी एग्जाम आमर सीएचटी एग्जाम आसी एटा खाली टिके तार टर्म गुड़ा चेंज करके पचार। तो गोटे टीचर रोल बा भूमिका सब बेले फैसिलिटेटर होगा उचित फैसिलिटेट फैसिलिटेट आप मे बी फेसिल एफ ए सी आई एल एल आई टेटिव दे थो टेटिव आई भि टेटिव दे थो कि टेटर दे थो फैसिलिटेटर दे थो। ये तीन टा वार्ड आप टर्म देख फैसिलिटेट कौटी कौटी फैसिलिटेटिव दे थो कौटी फैसिलिटेटर दे थो। तो टेटर दो टेटिव दो कि फैसिलिटेट दो आप सी हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेट माने सुविधा प्रदान करे पिला माने को सुविधा प्रदान करवा सहज करवा हूँ गोटे टीचर रो भूमिका। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर फैसिलिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिटेल प्रोज लेसन डेवलप्स। आम डिटेल प्रोज लेसन पढ़ुंट तो कौन डेवलप होमर इंटेनसीव रिडिंग एक्सटेनसीव रैपिड ना ऑल ऑफ दिस। तो डिटेल प्रोज लेसन पढ़ले आमर कौन हो आम डिटेल से डीपली पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं सीटा आम इंटेनसीव रिडिंग इंटेनसीव रिडिंगटा को आम डेवलप करुच्छी। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर
नॉन डिटेल होची एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप करुची आउ डिटेल प्रोज होची इंटेंसिव रीडिंग को डेवलप करुची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एथेस्टिक सेन्स इज डेवलप थ्रू आमर एथेस्टिक सेन्सटा डेवलप कहा द्वारा हो पार होता हूँ प्रोज पोएट्री कंपोजिशन नन अफ दिज तो एस्थेटिक सेन्स एस्थेटिक्सटा आम डेवलप होगा द्वारा ना पोएट्री मध्यम ऑप्शन नंबर बी होची पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द फोनिक स्किल कौटा से पचार लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग तो फोनिक स्किल हूँ आमर कौन ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग हूँ आमर फोनिक स्किल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंटोनेशन रेफर्स टू इंटोनेशन कौन रेफर करुच्ची इंटोनेशन माने कौन वॉयस पिच ऑफ द वॉयस राइज एंड फॉल ऑफ द फॉल इन द पिच ऑफ वॉयस नन ऑफ द अबव इंटोनेशन माने कौन ना आमर जो वॉयसटा कोई जगह राइज हो उठे कोई जगह डाउन हो तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉयस ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपन प्रीवियस एग्जाम ओटीटी आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग ये आम प्रीवियस एग्जाम आसा ओटीटी तो से कहे स्पीकिंग कौटा गोटे सॉफ्ट स्किल नुहे फ्लुएंसी क्लैरिटी प्रोनाउंसिएशन स्कीमिंग तो देखो स्पीकिंग स्पीकिंग आमर सॉफ्ट स्किल हूँ फ्लुएंसी रहा स्पीकिंग रे क्लारिटी रहिबो ता सहित प्रोनाउंसिएशन मते ठीक रहिबो ए तीनटा जाक तार सब स्किल किंतु स्किमिंग टा आमरो स्पीकिंग रे सब स्किल नुह स्किमिंग टा आमरो कोन होची ना रीडिंग रे सब स्किल होची स्किमिंग एंड स्कैनिंग माने रखंतु ये स्किमिंग आ स्कैनिंग होची रीडिंग रे सब स्किल स्पीकिंग रो नुहे तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ दिस से कही आम जो विराम चिन्ह दौरान से गुड़ाक तुम ठीक से दे पार ना आम कौन करने द्वारा जान कौ परीक्षा कले आम जापर जो पिलाटार विराम चिन्ह नॉलेज बा ज्ञान अच्छी स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग तो आप आराम से बुझीपारे ओडिया मुझे कहली तो आम विराम चिन्ह के जिते बड़े लिखुं लिखला समय आम कौटे कमा रोटे पूर्णच्छेद रोक कौटी आम हाइलाइट करने बंदनी देवा कौटी आप प्रश्नवाचक चिन्ह देखा सहीटा आप लिखला समय हिंसा आम जदि राइटिंग टेस्ट करवा जापर पाटा पंचुएसन टेस्ट बा विराम चिन्ह नलेज अच्छी ना ऑप्शन नंबर सी हूँ राइटिंग। नेक्स्ट रही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर कैन बी वेल असेस्ड थ्रू ए क्वेश्चन टा फास्ट क्वेश्चन आपन को डिस्कशन करले ए वीडियो रो प्रथम क्वेश्चन ताको उल्टा से पचार दीजिए से क्वेश्चन टा को खाली मॉडिफाई करी से पचारी छी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स कैन बी असेस्ड माने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट गोटे पिलार सामग्रिक विकासटा कहा द्वारा हो पार से पचारी छी मंथ एंड इवाल्युएशन यूनिट एंड इवाल्युएशन टर्म एंड इवाल्युएशन ना कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑल अराउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार सामग्रिक विकास गोटे पिलार हो पार कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन द्वारा सीसी द्वारा हो पार प्रथम क्वेश्चन आप पचार कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन द्वारा कौन गोटे पिलार कौन डेवलप हम से पचार हॉलिस्टिक डेवलपमेंटा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पार पचार बर्तमान उल्टा पचार हॉलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा कौन हॉलिस्टिक डेवलपमेंटा क्या द्वारा भलसे हो पार से पचार ये क्वेश्चन टा खाली से ऑप्शन टा को फास्ट नहीं क्वेश्चन करतमान तार उल्टा कर क्वेश्चन आप प्रथम क्वेश्चन नहीं जाऊँ प्रथम क्वेश्चन आप देखिपारे तो आपको क्वेश्चन एमती पचार देखते कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन एम्स एट एसेसिंग द लर्नर्स ये आम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता बर्तमान आपको लेकर से क्वेश्चन कर। तो आपने देखिपुट क्वेश्चन आपर ये क्वेश्चन खाली टिके आपको मोडिफाई करके पचार तो आप क्वेश्चन भलसे देखी आंसर जानते तो आराम से देपारे तो ये आम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉयस इज कॉल्ड तो ये क्वेश्चन ना मतलब मुझे माने ये क्वेश्चन आम डिस्कशन कल ऑलरेडी आगु तो यहाँ मुझे चेंज करके मॉडिफाई करी क्वेश्चन रखी तो फ्लुएंसी पॉज इंटोनेशन ना स्ट्रेस तो देखो
आमर भयस पिचटा रईज एंड फल हो तो सीटा कौन कह सीटा कह इंटोनेसन कह पूर्व मुझे डिस्कसन कली इंटोनेसन कह ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग रो कोटा सॉफ्ट स्किल नुहे से पचार एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी एक्यूरेसी फ्लुएंसी और नेचुरालिटी तो देखो स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल हूँ एक्यूरेसी रहा उचित फ्लुएंसी रहा उचित नेचुरालिटी रही था किंतु इनएफिशिएंसी यहाँ गोटे स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल नुह ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डैश लैंग्वेज तो ओडिशा रे आम इंग्लिश टा को लैंग्वेज रे आम पढ़ी था एटा आराम से जे भी कही पार आमर एफ एल ओ फास्ट लैंग्वेज ओडिया एस एल ई सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश तो ओडिशा रे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को आम व्यवहार करू टीएलएच थर्ड लैंग्वेज हिंदी नौ किए संस्कृत नौ जार इच्छा सीटा नौ तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट सिक्वेंस टिके जूम करदे तो द राइट सिक्वेंस फॉर लर्निंग द फोर माइक्रो स्किल्स इज ए क्वेश्चन आपको टिके खाली टर्म चेंज कर माइक्रो स्किल पचारे करेक्ट सिक्वेंस रे आम लैंग्वेज केमती शिखा एमती दबो आपण मैं दे थो तो ये आमर एल एस आर डब्ल्यू आप मारे एल एस आर डब्ल्यू यहाँ मुझे बहुत थर कही आपने सीटेड एक्जाम बहुत बार आसी ओटीट आसी तो एल एस आर डब्ल्यू आम कौट अच्छी ना लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग राइटिंग श्रवण कथन पठन लिखन ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पोज ऑफ असेसमेंट इज आम जो असेसमेंट तार मुख्य उद्देश्य कौन डिसाइड टू डिसाइड पास एंड फेल टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो आसेसमेंटर लक्ष्य कौन पिला पास फेल करवा निष्पत्ति नेबा ना पिला मानकर अचीवमेंट को मेजर करवा ना पिला मानकर राइटिंग लेखिबा प्रैक्टिस करैबा ना पिला मानकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करैबा तो ये करेक्ट आंसर होची आसेसमेंटर मेन पर्पज होची टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पिला मानकर शिक्षादान शिक्षण प्रोसेस टा को इम्प्रूवमेंट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग तो से कहिछि जे कहा द्वारा पिला मानकर ओन नॉलेज को ओन लर्निंग को माने बढ़े पारिबे विच ऑफ फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्स फॉर देयर ओन लर्निंग से मानकर निज लर्निंग इम्प्रूवमेंट करने को कहा द्वारा भल से हो पार से पचारि समेटिव असेसमेंट सुपरवाइज्ड रीडिंग ना कंट्रोल राइटिंग ना पीर असेसमेंट तो देखो ओन लर्निंग जब कही पीर असेसमेंट ही आप करेक्ट आंसर पीर असेसमेंट माने ग्रुप होगी सांगसाथी आमर जो क्लासमेट पिला सहित गोटे ग्रुप हो रहा तो गोटे क्वेश्चन विषय आम निजे खोजुंत क्वेश्चन आंसर पाइबा आम डिक्शनरी देखुं से तार मीनिंग कौन अच्छी कि कौन से बुक्स आम देखुं भारत कौन जिन ग्रुप हो रोच तो यहाँ आंसर कौन आम निजे खोजुं बही देखिए खोजुं तो सही आम स्वशिक्षण हो पार्टी माने निजर लर्निंगटा सेल्फ लर्निंग माने निजे शिखी पार्टी ये कौन से टीचर रो जरूरत पड़ूनी पिला माने ही निजे निजे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी से माने बाहर करछन्ती एटा पीर असेसमेंट द्वारा आमर ओन लर्निंग निजर लर्निंगटा इम्प्रूवमेंट होउची ऑप्शन नंबर डी होउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर ए क्वेश्चन आम प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम आसीथिला तो ये कौन हम कंप्रेंशन ना वोकैबुलरी एनरिचमेंट ना एप्रिसिएशन ना लिंग्विस्टिक स्किल तो पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फैटिकली इट इज कॉल्ड तो से कहि व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड इज स्पोकन एम्फैटिकली तो गोटे वर्ड को जिते बड़े आम कहला बेले जोर दौर गुरुत्व दौरान तो सीट कौन कह एम्फाटिकाली जदि आम मानने जोर रे कह गोटे गुरुत्व देवा तो सहीटा कौन हम पज हम ना स्ट्रेस कह इंटोनेसन ना प्रोनाउंसिएशन तो आम कहला बेले गोटे वार्ड उपर आम फोकस करके जोर दौर हाई रे कौन सीटा हूँ आम स्ट्रेस
स्ट्रेस ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डोंट थिंक द स्ट्रेंजर एन ऑर्डिनरी पर्सन ही इज डैश एसपी, तो ये कौन लगे को आर्टिकल लगे आप आर्टिकल आउ प्रीपोजिशन उपरे मु वीडियो चारटा वीडियो बनेची आउ फुल आपण मानक कनसेप्ट क्लीअर करी देखा चाहते आम यूट्यूब चैनल सीनेटिव ओडिशा सर्च करूँ नचे एट द रेट सीनेटिव ओडिशा आप यूट्यूब हैंडल को सर्च करेंगे एट द रेट सीनेटिव ओडिशा मारे आपको आसान प्ले लिस्ट को जी प्ले लिस्ट आपको इंग्लीश ग्रामर प्ले लिस्ट मिले से आर्टिकल उपर दुटा रही प्रिपोजिशन दुटा रही आपर अगर रही जो रही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब गुड़ाक अच्छी तो आपको आर्टिकल विषय कह तो आप भलसे बुझीपर तो ये एसपी आमर एसपी आम उच्चारण कौन हो एसपी तो पाने कौन भाव जे ए आई ओ यु अच्छी मैंने से एन लगे ये आम एन लगे तो हम ना एस मान ए उच्चारण है तो ये आम एन लगे एस उच्चारण है एस मान ए उच्चारण है आमर से एन लगे आप भावे ए आई ओ यु जदि थी आगे जगार एन लगे एस तो लगी एन लगे ये हेनी कहीं उच्चारण देखिए ए एस एस कहला बेले ए उच्चारण हो तो ये आम एन लगे एन एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपच अफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्र कौटा गोटे प्रिंसिपल नुहे से पचार देर इज एम्फासीस् अन् द राइटिंग एंड रिडिंग कनसिक्वेन्टली रोट लर्निंग इज एनकरेज रोट लर्निंग एनकरेज करवा ना इवोल्यूशन इज बेस्ड अन् द ट्रांसलेशन अफ टेक्सट ना सेकेंड लांगुएज इज गिवेन मोर प्रायोरीटी, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे सेकेंड लांगुएज को अधिक प्रायोरीटी दि जाए यहाँ गोटे तार प्रिंसिपल नुहे ऑप्शन नंबर फोर हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे सेकेंड लैंग्वेज को अधिक प्रायोरिटी दिया जाए ना ऑप्शन नंबर फोर होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज, तो आमे जेकोसी कौ आम का कौरे आम गोटे जिनस को डिटेल्स पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं डीपली पढ़ुं तो से रीडिंग टेक्निक को कौन कहुए पचारे स्किमिंग स्कानिंग इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव, तो आम जेकोसी जिनस को डीपली पढ़ुं केयरफुली पढ़ुं टेक्निक आम पढ़ुं तो से आम इंटेंसिव रीडिंग रे जाक आम तात्विक पठन ओडिया कहुए तात्विक पठन एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश मेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी इन इंडिया, तो कहा द्वारा इंग्लिश को आमर स्टडी रे कंपलसरी लैंग्वेज भावे इंडिया रे यूज करा जाउछि कोठारी कमिशन वुड्स डिस्पैच माकालोस मिनट ना सर्जेंट रिपोर्ट, तो करेक्ट आंसर होची माकालोस मिनट्स ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिलायबिलिटी इज द सेम एज रिलायबिलिटी कहाँ सहित सेम ए क्वेश्चन आंसर आप निहत्य देते कहीं बहुत थर ए वीडियो उपर आपची कनसीस्टेन्सी ना रिलेवेन्सी ना रिप्रेजेटेटिवनेस ना यूजफुलनेस, तो रिलायबिलिटी क्या कहुए ना जितेबले गोटे पिलार स्कोर आम दुई थर तीन थर वर्ष एग्जाम कले गोटे पिलार स्कोर जो कनसीस्टेन्सी रोचे स्थिरता रोचे से कहुए रिलायबिलिटी, तो कनसीस्टेन्सी अच्छी जहाँ कि रिलायबिलिटी सहित समान ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स इज कॉल्ड डैश, तो से कही गोटे असेसमेंट जहाँ कि साधारणतः आमर कोर्स समय कैरिड आउट करा कोर्स समय करा कौन कहुए डायग्नोस्टिक ना फॉर्मेटिव ना समेटिव ना कंटेम्पररी, तो आमर कोर्स समय रे जोटा आसेसमेंट करा जाउछ साधारणतः सेटा को आजे फॉर्मेटिव आसेसमेंट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। एंड द कोर्स दब ताहले आपन एंड द कोर्स देथंता सेटी हमरो समेटिव हेथंता, तो ये हमरो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, तो पिला माने करो चिंताधारा को
प्रमोट करिया पाई को प्रकार क्वेश्चन पचारिबा उचित ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट माने आमर जो पाठ्यपुस्तक बहुत प्योर क्वेश्चन जहाँ किसी क्वेश्चन पचारे ना फैक्चुअल क्वेश्चन पचारे ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन पचारे ना ओपन एंडेड मुक्त उत्तरमूलक ना क्लोज एंडेड से पचारसी तो ये आम करेक्ट आंसर हो ओपन एंडेड क्वेश्चन मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न पचार द्वारा पिला थिंकिंग स्किलटा प्रमोट हो पार तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स एमें टोटल डिस्कशन कले 28 क्वेश्चन डिस्कशन कले आउट ऑफ 28 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहत भाव जन जब भिडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे अधिकार अधिका मात्रा रे कृपया संगे साथी मानक सेयार करेंगे जब नुआ अच्छे आम चैनल तेल निहत चैनल को सब्सक्राइब करूँ ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सर्वप्रथमें तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।